जय श्री श्याम बेटा। फाइनल अकाउंट चल रहा था हमारा, ठीक है। क्लास नंबर 4 है ये। इस क्लास में हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे बेटा। बैलेंस शीट के बारे में सबको मालूम है, बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन 31st जो भी है, मार्च या दिसंबर है, वो डेट आएगी। एज ऑन क्यों लिखते हैं पता ही आपको बताया हुआ है कि इस दिन हमारे बिजनेस में ये पोजीशन है, इस दिन हमारे बिजनेस की ये पोजीशन है, ठीक है जी। एज ऑन 31st मार्च हमारे बिजनेस की ये पोजीशन है, इतनी कैपिटल है, इतनी लाइबिलिटी है और इतनी एसेट्स है। ये पोजीशन अगले दिन क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? जैसे कैश है 1 लाख, हमने 20,000 की पेमेंट कर दी, कैश कितना रह गया? 80 रह जाएगा। मशीन खरीद ली तो मशीन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए क्या वर्ड लिखते हैं? एज ऑन, मतलब इस दिन ये पोजीशन है, उससे पहले या उसके अगले दिन पोजीशन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। बट पेंडल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, वो ईयर क्या हो रहा है? खत्म। तो क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड, एंड कर रहे हैं हम उसको, तब तो उसमें क्लोजिंग एंट्री आती है। बात समझ आ गई? अब इसका परफॉर्मा तो आपको पता ही है ना। ये लाइबिलिटी यहां पर क्या आएगी बेटा? अमाउंट। यहां क्या आएगी? एसेट्स। और यहाँ क्या आएगी? अमाउंट। इधर क्या आएगा? कैपिटल। बोलो बेटा, कैपिटल है, उसमें से ऐड क्या करोगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आपका है वो कैपिटल में क्या होगा बेटा? ऐड होगा, ठीक है। और अगर लॉस है, नेट लॉस है, नेट लॉस तो क्या होगा? लेस होगा। ये बात सबको मालूम होगी, ठीक है। और ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग क्या होगी? लेस होगी। अगर आपने कोई ड्रॉइंग की है तो क्या होगी? लेस होगी। बोलो बात समझ आएगी? कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले गए हो तो भी वो ड्रॉइंग होती है, वो भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये कैपिटल आ जाएगी बेटा। फिर उसके बाद है, आपका कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, वो सब यहां आएंगे बेटा। क्या आएगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये सोल प्रोप्रेटरशिप की है, इसमें हेडिंग नहीं लगती, वो किसमें लगती है? कंपनी में, है ना। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या आपके प्रोविजंस है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो आ जाएंगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इधर आपकी क्या आएंगी बेटा? एसेट्स आएंगी, टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स। समझ रहे मेरी बात को? करंट एसेट्स, ये टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल बेटा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही होती है, सुनो। ये एक दीपांशु हिमांशु बोला, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही होती है टेंजेबल और इनटेंजेबल, ठीक है। बिल्कुल सही है। वैसे अब तो इसका नाम क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके अंदर तो टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजेबल और इनटेंजेबल। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज और करंट एसेट्स। क्या बेटा? करंट एसेट्स। ये बैलेंस शीट सबको आती है, आप 11th क्लास में यही बनाते थे। आगे बात समझिए। अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। 7 तो चलो ठीक है, कर लेंगे, एडजस्टमेंट वाला है। 6 नंबर में सिर्फ क्या बनानी है? बैलेंस शीट। एक मिनट में बनाइए, देखो क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स डी ब्रदर्स ऑन 31st मार्च। बताओ बेटा कैपिटल कहाँ आएगी? लाइबिलिटी साइड में, बस बता दो तो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगी? एसेट्स में। टर्म लोन कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड में। लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी, लाइबिलिटी साइड में। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, इन्वेंट्री एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी, एडवांस टू सप्लायर एसेट्स में आएगा। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग कैपिटल से लेस हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया, आगे समझ में। अब रिक्वेस्ट ये है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपने रीड करके इसी में देख लो, 2 मिनट का टाइम है सभी को, क्योंकि इसमें दे रखे बिल्कुल आसान, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, फिर बाद में करेंगे। आज इसको इस बुक में से तो कंप्लीट कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर देख लो बेटा, रीड करो, सोच फटाफट, 2 मिनट का टाइम है तो देखो, कंप्लीट करो इसको। बेटा बेटा प्लीज,